हे व्हाट्स अप गाइस। तो भाई लोग, जो लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड्स है वो मेरे पास आ चुके हैं, और भाई इन वोटिंग ट्रेंड से ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये चार लोग है डेंजर जोन में। अब ये चार कंटेस्टेंट यानी कि कौन, ये जानने के लिए इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। तो भाई बिना कुछ वक्त गवाते हुए स्टार्ट करते हैं वोटिंग ट्रेंड्स को। नंबर वन से हम शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे नंबर 12 से। तो भाई नंबर 12 पे रैंक कर रहे करण नाथ। जी हाँ, करण नाथ यार बिग बॉस के घर के अंदर इतना कुछ कर नहीं रहे, छोटे मोटे झगड़े और यही सब कुछ चल रहा है, और इसी वजह से उनको इतने अच्छे खासे वोट्स भी नहीं हो रहे, और इसलिए वो है नंबर 12 पे। अब बात करते हैं नंबर 11 की, तो वहां पे है नेहा बसीन। जी हाँ दोस्तों, नेहा बसीन इनको इतने अच्छे खासे वोट ना होने के कारण ये रैंक कर रही है नंबर 11 पे। उसके बाद भाई नंबर 10 पे आ चुके हैं मिलिंद गाबा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिलिंद गाबा इनको कुछ तो करना पड़ेगा बिग बॉस के घर के अंदर। चुप चुप बैठ के भाई बिग बॉस आपको घर के अंदर नहीं रखने वाले, कुछ तो उनको कंटेंट देना पड़ेगा तो ही आप सेफ हो सकते हो, और उसके बाद ही आपको अच्छे खासे वोट्स मिलना शुरू होंगे और आप घर के अंदर सेफ हो जाओगे। तो भाई मिलिंद गाबा फिलहाल है नंबर 10 पे, और अगर उनको घर के अंदर रहना है तो उनको कुछ तो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं नंबर 9 की, तो भाई नंबर 9 पे है राकेश बापट। जी हाँ दोस्तों, राकेश बापट रैंक कर रहे हैं नंबर 9 पे। अब इन चारों में से ही किसी का इविक्शन हो सकता है, शायद करण नाथ या फिर मिलिंद गाबा। अब मैं मिलिंद गाबा क्यों बता रहा हूं ये मैं आपको बाद में बता रहा हूं। तो अब पहले बात करते हैं नंबर 8 की, तो नंबर 8 पे है निशांत भट्ट। जी हाँ दोस्तों, निशांत भट्ट अच्छे खासे गेम खेल रहे और भाई फ्रेंडशिप बहुत सही दिख रही है उनकी, तो भाई वहां पे निशांत भट्ट रैंक कर रहे हैं नंबर 8 पे। अब बात करते हैं नंबर 7 की, तो नंबर 7 पे आ चुकी है मूस जटाना। जो कल 10 पे थी वो अब 7 पे आ चुकी है, क्योंकि उनका गेम बहुत सही चल रहा है और लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करने लगे और वोट्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो फिलहाल नंबर 7 पे है मूस जटाना। नंबर 6 पे कौन होगा? नंबर 6 पे है द बाथरो बॉय यो ब्रो, यानी कि जीशान खान। जीशान खान है नंबर 6 पे। उसके बाद बात करते हैं नंबर 5 की, तो नंबर 5 पे है रिधिमा पंडित। जी हाँ दोस्तों, रिधिमा पंडित इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उनको वोट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, और इसी वजह से नंबर 5 पे रैंक कर रही है रिधिमा पंडित। नंबर 4 पे कौन होगा? भाई नंबर 4 पे वहां पे है शमिता शेट्टी। जी हाँ दोस्तों, शमिता शेट्टी इनकी फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा है और वो खेल भी अच्छी रही है, और इसी वजह से फिलहाल वो रैंक कर रही है नंबर 4 पे। अब बात करते हैं नंबर 3 की, तो भाई नंबर 3 पे आ चुकी है अक्षरा सिंह। जी हाँ दोस्तों, अक्षरा सिंह इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, वो गेम भी बहुत सही खेल रही है, और भाई उनकी फ्रेंडशिप भी लॉयल है, पर कोई बात नहीं, आने वाले वोटिंग ट्रेंड्स में ये शायद हमें रैंक अप करते हुए दिखाई दे सकती है, पर फिलहाल ये है नंबर 3 पे। अब टॉप 2 की बारी, क्या लगता है आपको कौन होगा नंबर 2 पे? चलिए बता देता हूं, तो नंबर 2 पे वहां पे है दिव्या अग्रवाल। जी हाँ, दिव्या अग्रवाल, उनको बहुत सारे वोट्स हो रहे हैं और इसी वजह से नंबर 2 पे वो आ चुकी है। तो भाई फिलहाल नंबर 2 पे है दिव्या। उसके बाद नंबर 1 पे कौन होगा भाई, मैं बताने नहीं वाला हूं आपसे, क्योंकि भाई नंबर 1 पे यही बंदा रहता है, वो यानी कि प्रतीक सेजपाल। भाई बहुत ज्यादा वोट्स उनको मिले और भाई इसी वजह से नंबर 1 पे राज कर रहे हैं हमारे अपने प्रतीक सेजपाल, बहुत सही गेम खेल रहे हैं वो। तो आपने किसको किया है वोट, और अगर आपने नहीं किया तो किसको करने वाले हो वोट, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मिलिंद गाबा भी बिग बॉस के घर से इविक्ट हो सकते हैं, इसका रीजन यही है कि वो शो को टीआरपी इतनी नहीं दे पा रहे, मतलब वो गेम तो बहुत सही खेल रहे हैं, मतलब शांत शांत रहते डिसेंट गेम है, बहुत ज्यादा सुलझे हुए इंसान है, पर भाई बिग बॉस के घर के अंदर ऐसा नहीं रहता, उनको कुछ तो कंटेंट देना पड़ता है, उसके बाद ही आपको बिग बॉस अपने घर में रखते हैं। तो भाई अब देखते हैं क्या होता है। तो अब इस पे आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, और अब मैं आपसे मिलता हूं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कूल, बाय।